वार्ड नंबर 14 के मसाइल के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो कॉर्पोरेट ऑर्डर की मियाद भी खत्म हो चुकी है, तो क्या उसी तरीके से कामकाज होते रहेंगे जिस तरीके से 5 साल हुए, या फिर अब काम करना बंद कर देंगे, या 5 साल काम ही नहीं हुए, इसका आप क्या कहेंगे? सर, मैं अभी जो इस इलाके में हम दौरा किए आपके जरिए, तो इस इलाके में जो रनिंग कॉर्पोरेटर थे उन्होंने 10 रुपये का भी काम नहीं किया। जैसे दत्त नगर, मौलाना हिंदी नगर है, रहमानपुरा, जैतुनपुरा है, और उसके बाद यहाँ बजट वगैरह के तो काम हुए नहीं। लेकिन उसके अलावा जो काम फ्री में, जिसके लिए बजट और फंड भी नहीं लगता, जैसे साफ सफाई के मसले है, नल का वक्त टाइमिंग का मसला है, नल आने का जो वक्त है जैसे 35 मिनट 40 मिनट का, उसमें भी 25 मिनट पानी चलता है, ये सब मसाइल भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और कमाल की बात कि जो कॉर्पोरेटर थे 4 हमारे वार्ड नंबर 14 के, और फिलहाल जो अतराफ के इलाके अभी जो दूसरे वार्ड में बढ़े हैं, तो वो लोग काम की नियत से कभी इस इलाके में भी नहीं आए, यानी ये सोच के भी नहीं आए कि अभी अपने वार्ड का हिस्सा यहाँ पे जाना चाहिए। और कामकाज की जो बात है, तो जो हम हमारे जरिए, हमारे लीडरान के जरिए होता था, थोड़ा बहुत साफ सफाई का मामला बोलो, पावर के ताल्लुक से कुछ बातें हैं वो बोलो, बोरिंग वगैरह का मामला है वो बोलो, स्लैब वगैरह का, वो हम हमारे जरिए हल करवाते थे। लेकिन कॉर्पोरेटरों के जरिए कोई हमको ऐसा मतलब मदद नहीं मिली। और जो बाजू के वार्ड के कॉर्पोरेटर थे, उनको अगर इलाके की आवाम ने कुछ कहा तो उन्होंने साफ ये बोल के पल्ला झाड़ दिया कि हमारा वार्ड नहीं है। लेकिन अब क्या वजह हो गई कि वो भी अब इधर काम में दिलचस्पी लेने लगे हैं, अब समझ में नहीं आता। लेकिन आज तो मतलब शहर के आमदार से पूरे शहर भर में अपने अपने कॉर्पोरेटरों को फंड भी दे रहे हैं, तो क्या इस इलाके में कोई फंड वगैरह दिया गया है? नहीं, अभी तो फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ वो फंड वगैरह नहीं मिला है। लेकिन हमारी उनसे भी गुजारिश है कि इस इलाके में भी तवज्जो दो। अभी जैसे सबसे इस इलाके का मशहूर रोड है मशरकी इकबाल रोड, अब वो रोड डायरेक्ट नेशनल हाईवे से टच है, लेकिन आप अब देखो उसको कि वहाँ पे चलने की भी दुश्वारी है, मोटर गाड़ी, और वो तो दूर की बात है, पैदल चलने वालों के लिए तकलीफ है। उसमें उसी रोड पे पोल जो है, डीपी जो है, वो बीच रोड पे, हमने उसके लिए भी मोहतरमा शान इन मैडम का लेटर के साथ दिए और कॉरपोरेशन कमिश्नर से भी मुलाकात की, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, कुछ काम किए नहीं। और उसके बाद एक आयशा हकीम चौक से लेके मालिक हाई स्कूल तक के 3 पोल ऐसे हैं कि वो कभी भी गिर सकते हैं, और वहाँ पर एक बच्चे के हादसे में इंतकाल भी हुआ है करंट लग के, एक मतलब वहाँ पे जानवर बकरी और गाय का भी मतलब करंट लगने की वजह से मरे, लेकिन कोई तवज्जो नहीं। आज 6 महीना 5 महीना पहले हम लोगों ने कॉरपोरेशन में लेटर दिया था कि यार इसको चेंज करो, इसका ऐसी मालूमात है कि काम भी पास है और ठेकेदार कोई नासिक के, लेकिन आज तक वो पोल शिफ्टिंग का काम नहीं हुआ। और आज अभी बारिश का मौसम है, अगर कोई हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार ठेकेदार और कमिश्नर साहब रहेंगे। मरहूम आयशा हकीम चौक, जहाँ पर रोड पर जो है तो ये खंभे लगाए गए थे जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं और अब गिरने की कगार पर है, जो कभी भी मतलब जो है तो गिर सकते हैं, जिस पर मेन सर्विस आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मेन सर्विस खींची गई है, और अगर ये खंभे अगर बारिश के इस खतरनाक मौसम में अगर गिर जाते हैं, या कोई भी हादसा अगर हो जाता है, कोई जाने नुकसान हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार जवाबदार कौन होगा? जबकि इसको बदलने की वर्क ऑर्डर 6 महीना पहले से हो चुका है कि इन खंभों को निकाल फेंकना चाहिए, ताकि ये पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं, टेढ़े हो चुके हैं और कभी भी गिर सकते हैं। और अब तो बारिश का वो मौसम शुरू हो चुका है जब आंधी तूफान और हवाएं चल रही है, जहां अच्छे अच्छे नए नए पोल इन बारिश के दो दिनों में नए लगाए गए 27 पोल टेढ़े हो चुके, कई पोल गिर चुके, जिसकी वजह से एक रात भर लाइट बंद थी और पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। बावजूद इसके भी जिन लोगों को इसका टेंडर दिया गया है, ठेका दिया गया है, इसका वर्क ऑर्डर हो चुका है कि इसे निकाल फेंक, इसकी जगह पर नए पोल लगाए जाए, लेकिन कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, नए पोल नहीं लगाए जा रहे हैं। वर्क ऑर्डर होने के बावजूद भी इस तरीके से लापरवाही क्यों बरती जा रही है, लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? अगर ये खंभे गिरते हैं, ये सर्विस टूटती है और इसकी शॉर्ट से अगर किसी को जाने नुकसान होता है, तो इसका जिम्मेदार जवाबदार वो ठेकेदार होंगे जो
इन्हें बदलने का ठेका लिया है या फिर कमिश्नर साहब होंगे। कौन इसका जवाबदायक होगा, इस तरह की लापरवाही बरतने के लिए कौन जिम्मेदार और कौन जवाबदार होगा, ये बात भी सोचनी पड़ेगी। अब शहर में कमिश्नर साहब का राज है, कमिश्नर साहब को चाहिए कि इन ठेकेदारों पर कानूनी कार्रवाई करें और उन्हें जल्द से जल्द इस पोल को बदलने की हिदायत जारी करें, वरना कोई भी जानी नुकसान हो सकता है जिसका जिम्मेदार ठेकेदार होगा या फिर शहर के कमिश्नर साहब होंगे। नहीं।